न्यूज इंडिया उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश सह प्रभारी धीरज गुज्जर, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू, विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक, पूर्व विधायक के निर्देश पर प्रदेश महासचिव एवं मंडल प्रभारी डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रदेश सचिव एवं जनपद प्रभारी मोनिंदर सूद वाल्मीकि के तत्वाधान में जिलाध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा एवं शहर अध्यक्ष जुनेद रऊफ के संयुक्त नेतृत्व में जनपद मुजफ्फरनगर के पंजाबी बारात घर पर गांधी कॉलोनी में कांग्रेस का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में मुजफ्फरनगर की जिला शहर कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों, समस्त फ्रंटल संगठन के अध्यक्षगण, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत अध्यक्षगण और समस्त वार्ड अध्यक्षगणों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे शिक्षकों ने कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेसी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास की जानकारी दी और भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने सोशल मीडिया के जरिए पूरी ताकत से उजागर करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही ये भी बताया कि हर कांग्रेसी का कर्तव्य है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से वह घर घर जाकर भाजपा का झूठ लोगों के सामने लेकर आए, जिससे देश की जनता भाजपा की सच्चाई जान सके। प्रशिक्षकों ने ये भी बताया कि भाजपा किस कदर झूठ और फेक खबरों के जरिए देश में नफरत का माहौल पैदा कर रही है। आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत तक, बूथ तक अपनी कमेटी को बनाने का काम किया है, जिससे हम जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस सूबे से उखाड़ फेंकने का काम करें। आज हमारे बीच में जो हमारे जो कार्यकर्ता बने हैं, जो बूथ तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, उनको प्रशिक्षित करने के लिए टीम हमारी यहां आई हुई है। चूँकि प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति संगठन में एक मजबूत योद्धा का काम करता है, तो जमीन पर उतरेंगे, लोगों को उनके हित की बात को बताने का काम करेंगे। ये बताएंगे कि किस तरह से एक दल यहाँ जात और धर्म के नाम पर आज सत्ता प्राप्त किए हुए हैं, किस तरह से दंगे कराने का काम हुआ है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे इंदिरा जी के नेतृत्व में, चाहे राजीव जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पूर्व की सरकारों की देश को आगे बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध करने का काम किया था। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या हुआ महंगाई का, काहे को जवाब नहीं दे पा रहे। डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, बिजली का बुरा हाल है, आज मध्यम वर्गीय आदमी भूखे मरने के कगार पे है, गरीब आदमी तो और गरीब हो गया। हम जहाँ हैं, मैं जिस कुल में परिवार में पैदा हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, किसानों का की बदहाली है, गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा। आपको पता है जिस तरह तीन काले कानून ला करके जनता के ऊपर थोप, किसान के ऊपर थोपने का काम सरकार ने किया, उनका विरोध भी कांग्रेस पार्टी करी। सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम PCC द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार किया गया है। उसी के क्रम में आज मुजफ्फरनगर में है, कल हमारी सहारनपुर थी, परसों यही कार्यशाला हमारी शामली में थी, मेरठ में थी, और सारे जनपदों में हम लोग भिन्न भिन्न जनपदों में जा करके इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को, जिम्मेदार लोगों को प्रशिक्षण दे करके चुनाव की 2022 की तैयारी में जुटे हैं।